हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पाइडी व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? सो गाइस यार, आज हम लोग आए हैं अपने ये जो TVS Endork 125 है, ये भी एक TVS का छोटा सा बीस्ट है गाइस। तो इसका हम लोग देने वाले हैं आज आपको एक छोटा सा एक रिव्यू, जो कि है मतलब कि ये है अपना बीस्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी करा के रखी है गाइस। एंड ये रहा अपना इंस्टा का अकाउंट, तो जल्द से जल्द जाके गाइस इंस्टा पे कर लो मुझे फॉलो। एंड ये तो अपना यूट्यूब लोगो है गाइस। एंड गाइस यार, थोड़ा सा मतलब कि अपना जो एंटॉर्क है वो थोड़ा सा डैमेज है इस टाइम, जैसे कि ये स्टिकरिंग है वो मतलब कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। एंड इस साइड भी आप लोग देख सकते हो गाइस, एंड इधर भी वही हाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब छोड़ते हैं एंड आते हैं मतलब कि अपने मेन टॉपिक पे। तो ये जो है इसको मुझे लिए भी अराउंड 6 मंथ्स ही हुए हैं, एंड ये अराउंड अभी सिर्फ चली है 3501 किलोमीटर गाइस। एंड इसका आपको पहले डिजिटल मीटर हम लोग दिखा देते हैं। तो ये फुली डिजिटल कंसोल मीटर इसका, तो जो कि हम लोग में दो मोड मिल जाते हैं, जैसे कि पहला है स्ट्रीट मोड एंड दूसरा है स्पोर्ट मोड। तो रेस एक्सपी एडिशन जो उसमें यहाँ से मोड करने का हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं गाइस। इसमें हम लोग को गाड़ी रोक के यहाँ से मतलब कि ऐसे करके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है स्पोर्ट मोड, एंड यहाँ पे ट्रिप, एंड यहाँ पे टाइमिंग, एंड यहाँ पे फ्यूल, एंड यहाँ पे हीटिंग का ऑप्शन हो गया गाइस। सो ये था इसका कंसोल मीटर। एंड ये हमारा जो हमने लास्ट स्पोर्ट मोड पे इतना चलाई थी गाड़ी, 58 चली थी, तो वो इसमें शो कर रहा है गाइस। एंड फिर उसके बाद ये देख सकते हो जो हमारी टॉप स्पीड है ये भी इसमें बताती है, मतलब 2.9 सेकेंड में हम लोग गए थे 60 की स्पीड में, एंड फिर उसके बाद 105 हम लोग गए थे गाइस। तो ये है इसका कंसोल मीटर। अब हम लोग नॉर्मल आ गए, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड ट्रिप एफ गाइस, मतलब एफ का मतलब लो फ्यूल, क्योंकि अभी उसमें फ्यूल है नहीं ज़्यादा, तो उसमें भी हम लोग को फ्यूल अप भी करवाना है। एंड ये हम लोग को प्रोड्यूस करती है 9.5 BHP का पावर, एंड इसका है 5000 RPM तक ये जाती है गाइस। तो ये है कि इसका 5000 RPM तक, एंड इसकी आवाज़ जो है गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसकी वॉइस, एंड इसको करते हैं अभी बंद हम लोग। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो है आपका 5 लीटर्स का, सो इसमें 5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। एंड बैक लुक देख सकते हो गाइस, सो ये है इसका बैक लुक। तो मतलब कि जिसको लेना है मैं तो सजेक्शन करूँगा ले लें, बट इसमें एवरेज बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि मैं इसको परचेस किया हूँ 6 मंथ हो गए, बट मुझे अभी तक इसमें एवरेज बिल्कुल भी नहीं दिखा। एंड मुझे एक प्रॉब्लम इसके मीटर में लगती है, जो कि है अराउंड मतलब 5 लीटर्स की इसकी टैंक है, एंड ये तक अराउंड हम लोग 2 लीटर से एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं रखेंगे, तो तक यहाँ पे फ्यूल नहीं आने वाला है गाइस। ये मुझे एक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब कि इन लोग को रखना था तो 1 लीटर के अराउंड रख सकते थे, बट 2 लीटर से इन लोग ने रखा है, तो ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। एंड इसके जो डबल साइड इंडिकेटर्स हैं इसको ऑन करो, एंड इसकी हेडलाइट्स जब ऑन करो गाइस, तो मतलब कि ये फ्यूल और भी ज़्यादा पीने लगती है। ये मुझे एक सिस्टम नहीं इसका समझ में आया अभी तक, एंड TVS वालों ने ऐसा, क्योंकि मतलब इसका कनेक्शन हर गाड़ी में बैटरी से होता है, बट इसमें मेरे ख्याल से फ्यूल से है, तो इस वजह से एक ये भी छोटी सी एक प्रॉब्लम है। एंड एडवांटेजेस में तो मतलब यार पावर इसकी मस्त है, एंड लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका सेक्सी लगता है गाइस। मैं तो NS परचेस करने वाला था, बट इसका लुक देख के मतलब कि मैंने एंटॉर्क ले लिया आज। सो इसको भी हम लोग को थोड़ा सा मेंटेन भी कराना है, एंड 1K सब्सक्राइबर करा दो गाइज, इसको फुल रैप करवा देंगे हम लोग। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, लेकिन गाइज यार एक चीज़ तो मैंने आपसे मैं बताना भूली कि इसमें फिनिशिंग नहीं है यार। ये देखो, देख सकते हो गैप आप लोग, नॉर्मल गैप से बहुत ही ज़्यादा है गाइज, एक यहाँ गैप है। एंड इसके व्हील्स देख सकते हो गाइज, इसमें भी गैप है, इसके व्हील्स में भी गैप्स है। एंड मतलब कि जो इसकी साइड की वायरिंग है गाइस, साइड की वायरिंग देख सकते हो, तो यहाँ पे फिनिशिंग से उतना काम नहीं हुआ है। ये एक TVS को थोड़ा सा देखना था गाइस, एंड मतलब कि यार आज का रिव्यू बस इतना ही है, लोग आपको छोटा सा देते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं किसी और न्यू मस्त वीडियो के साथ। तक गुड बाय।